अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिही व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम मेरे भैन भाइयों, की हाल तुहाडा? आई होप के सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन सॉरी चना पुलाव। तो देखें बाहर का वेदर, स्नो थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी लेकिन अब जो है वो रुक गई है और अच्छा मौसम है। आज वेनसडे है तो अल्हम्दुलिल्लाह। आसमान पे भी साफ है आसमान, कोई स्नो वगैरह का अमकान नहीं है। धूप तो नहीं निकली लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है बाहर। तो आज मैं बना रही हूँ चना पुलाव। प्याज में एक मीडियम साइज का काट दिया है, अब इसमें डाल देती हूँ ऑयल। बिस्मिल्लाह एक बड़ा खाने का चम्मच जो है वो डाला मैंने और प्याज जो है इसको हल्के लाइट से ब्राउन होने देते हैं। प्याज लाइट ब्राउन होते हैं उसको देखते हैं क्या करना है इसको। लाइट ब्राउन साढ़े हो गए, प्याज थोड़ा सा नीचे पा देंगे आलू गरम मसाला। तकरीबन एक चम्मच के बराबर गरम मसाला पा देते हैं इसमें। हमें चीनी लहसुन अदरक पानी तकरीबन एक चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का तकरीबन आधा कप के बराबर दही है। थोड़ा पानी करके पतला कर लो इसे। दही नाल टमाटर भी लगाए, दही अच्छा है तो दही पा लिया। हम मैंने कुछ पा लेंगे चने के सबज मिर्च सुन। चने पहले मैंने बॉईल करके तकरीबन ये एक कप चने वन एंड हाफ कप तो मैंने पहले ही बॉईल करके फिर उसे मैंने डाल दिया, साथ सबज मिर्च डाल दिया। मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल देती हूँ, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा आधा चम्मच हरा धनिया, हरा सूखा धनिया, जीरा पाउडर और एक चम्मच नमक। अच्छी तरह मिक्स कर दें। दो गिलास चावल है और वन एंड हाफ गिलास कप जो है वो चना है बॉयल किया हुआ। दो गिलास चावल है तो इसमें मैं जो है वो तकरीबन चार गिलास के बराबर पानी डालूंगी। आधा गिलास जो है वो सूख जाएगा, पानी उबालूंगी तो थ्री एंड हाफ गिलास रह जाएगा। देखिए माशाल्लाह मसाला कितना अच्छा चना का बना है दही डालने से।
माशाल्लाह माशाल्लाह। चने चावल ना बनाए आप, चने का सालन बना लें, इतनी अच्छी भूख आ रही है। सीजन सालन जो है वो बन चुके हैं, मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावल मैंने पहले ही भिगोए हुए हैं, 10 मिनट हो गए हैं चावल भिगोए हुए, तो तकरीबन 15-20 मिनट हो जाएंगे चावल भगोए हुए जब मैं डालूँगी। तो अब मैं इसको पानी को पकने देती हूँ। देखिए जी, पानी बॉईल हो रहा है हमारा, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच गरम मसाले का ग्राइंड किया हुआ। इसमें मैं इसमें पानी डाल दूँ और चावल डाल देती हूँ। चावल डाल दिए, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छी तरह। नमक आप चख लें, अपने हिसाब से डालें जितना आप खाते हैं। असी तो जी सारा कुछ सिट स्टा के ते बना दिते चना पुलाव, हुण पकणगे तो पता चलेगा इहदा की टेस्ट। यखनी जड़ी वो पानी खुश होंदा है, तो फिर असी इनू दम ते ला देंगे 15-20 मिनट तक। देखिए चावलों का पानी पहले से माशाल्लाह खुश हो चुका है, ये थोड़ा सा और ड्राई होता है, फिर मैं इसको दम लगा दूँगी। नमक मिर्च मसाले आ गए ठंडे से, माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट आ रहा है। इसमें मैंने तकरीबन 4 चम्मच लेमन जूस भी डाला। देखो जी माशाल्लाह डानी होने वाला है पानी, तो ये मैं 4 चम्मच लेमन जूस के पाए सी। लेमन जूस एक तो चावलों को टूटने नहीं देता, दूसरा जो है वो उसमें जो लेमन का टेस्ट आता है उसका अपना ही मज़ा। तकरीबन इसमें 2 चम्मच जो है ना टेबल स्पून नमक से पड़े, तो 4 ही बंदे हैं खाने वाले, हमारे लिए तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा राइस। तो पानी देखिए कुछ हो चुका है, हम इसको दम को दे देते हैं तकरीबन 15-12 से 15 मिनट। स्टोव बिल्कुल स्लो कर देती हूँ।